एवरी वन दिस इज लक्ष्य मित्तर वेलकम टू माई चैनल गो एंड कोड सो विल भी डिस्कस सिंग पाइप इन सिस्टर्न प्रॉब्लम्स टूडे तो मैंने ऑलरेडी ये प्रॉब्लम कराई थी मतलब एक्सप्लेनेशन कराया था बट सम हाउ इट गॉट वैनिश्ड मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो अच्छे से सो आई हैव टू डू इट ऑल ओवर अकेन तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है बस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है पाइप एंड सिस्टर्न प्रॉब्लम के अंदर देर इज एन इनलेट पाइप एंड देर इज एन आउटलेट पाइप तो इनलेट पाइप का मतलब ये है कि लाइक uh, like, पानी अंदर आ रहा है पानी अंदर आ रहे का क्या मतलब है कि एक पाइप है जो पानी को टैंक के अंदर भर रही है एंड आउटलेट पाइप इज द होल और पाइप विच टेक्स द वाटर आउट फ्रॉम द टैंक तो यह है हमारी आउटलेट पाइप और यह है हमारी इनलेट पाइप तो हमें क्वेश्चंस में क्या दिया होगा इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि हमारा जो पाइप है वो टैंक को एक्स आर्स में फिल करती है मतलब आप देखो अगर आप कोई टैंक को फिल करते हो तो उसको कितने घंटे लगते हैं सम आर्स आर टेकन बाय द टैंक टू गेट फिल्ड कम्प्लीटली तो वो हमें टाइम दिया होगा तो हमें क्या निकालना होगा कि एक्स का जो एक्स जो है एक्स आरस में एक पूरा का पूरा टैंक फिल होता है तो एक घंटे में कितना टैंक फिल होगा वही यूनिटरी मेथड है यहाँ पे हमने लगाया है यूनिटरी मेथड तो अगर x आर्स में एक पूरा पार्ट फिल होता है तो एक आर में कितना पार्ट फिल होगा सिमिलरली अगर पाइप एंट्री कर रही है किसी टैंक को y घंटे में तो एक आर में वो कितना एंट्री करेगी वन बाई वाई करेक्ट तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना इसको और एक अच्छे एक्सप्लेनेशन से मैंने वर्क बेस्ड एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स में कराया जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया वर्क डन बाय ए वर्क डन बाय बी सी ऐसे बहुत सारे मैंने वर्क डन कराए हैं कि एक घंटे में कितना होगा एक मिनट में कितना होगा पूरा होल कितना होगा तो वो सब मैंने उसके अंदर एक अच्छे मेथड एक्सप्लेन किया इसके अंदर आई एल जस्ट यू आप क्योंकि कि आपने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं सो so, uh, ये मैंने बता दिया कि ये है हमारे एक घंटे का काम एंड ये हमारे एक घंटे का काम फॉर एम द टैंक दिस इज फॉर फिलिंग द टैंक नाउ कमिंग ऑन टू अगर एक बार एम भी हो रहा है टैंक और एक बार फिल भी हो रहा है तो अगर दोनों चीज़ें यहाँ पे फिल हो रहा है यहाँ पर एम हो रहा है दोनों चीज़ें एक साथ में हो रही है तो वन आर का वो कितना हो जाएगा वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई करेक्ट नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक फ्रॉम एम टी टू फुल इन थर्टी मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स एंड टेन मिनट्स रिस्पेक्टिवली तो उनका एक मिनट का काम कितना हो जाएगा वन बाय थर्टी बी का कितना हो जाएगा वन बाय ट्वेंटी एन सी का कितना हो जाएगा वन बाय टेन वैन द टैंक इज एम टी ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन ए बी एंड सी डिस्चार्ज केमिकल सल्यूशन पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली वट इज द प्रपोर्शन ऑफ द सल्यूशन आर इन द लिक्विड आर का सोल्यूशन बताना है इन द लिक्विड इन द टैंक आफ्टर थ्री मिनट्स तो पहले हमें क्या दिया है कि तीनों पाइप्स खोल दिए हैं तो तीनों पाइप्स का एक मिनट का काम देख लेंगे तीनों पाइप्स का एक मिनट का काम हो जाएगा ये इन दोनों इन सबको सम कर दिया हमने बेसिकली तो तीन मिनट का काम कितना हो जाएगा तीन मिनट का काम हो जाएगा इतना तीन से मल्टीप्लाई कर दिया वही एक मिनट का इतना है तो तीन मिनट का कितना होगा तीन से मल्टीप्लाई कर दिया अब पार्ट फिल्ड बाय आर निकालना है सोल्यूशन आर इन द लिक्विड आफ्टर थ्री मिनट्स तो वो क्या हो जाएगा अब पार्ट फिल्ड बाय आर इन थ्री मिनट्स कितना है दैट इज़ यहाँ पे ये एक मिनट में इतना है वन बाई टेन तो तीन मिनट में कितना हो जाएगा थ्री बाय टेन करेक्ट अब प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रोपोर्शन निकालने के लिए सिंपली थ्री बाय टेन को डिवाइडेड बाय इलेवन बाय ट्वेंटी करेंगे बिकॉज दिस इज इलेवन बाय ट्वेंटी क्या करते हैं हम प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो भी आपका है मतलब पार्ट फिल्ड बाय पार्ट फिल्ड बाय आर डिवाइडेड बाय टोटल टोटल टैंक फिल्ड इन थ्री मिनट्स तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा सिक्स बाय इलेवन तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमारा पार्ट फिल्ड बाय सोल्यूशन आ रहा जाएगा नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन टू विच इज सेइंग दैट पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन फाइव एंड सिक्स आवर्स रिस्पेक्टिवली तो पाइप सी कैन एन एम टी ट एन ट्वेल्व आवर्स तो यहाँ पे क्या है कि एक टैंक है दो पाइप्स अंदर डाल रही है पानी को और एक पाइप बाहर निकाल रही है विच इज सी पाइप दिस इज ए एंड दिस इज बी तो इनके वन आर का काम हो जाएगा वन बाय फाइव वन बाय सिक्स एंड वन बाय ट्वेल्व रिस्पेक्टिवली ठीक है तो अब हमें देखना है कि नेट पार्ट जो फिल है या एम हो रहा है इन वन आर दैट इज़ वन बाय फाइव प्लस वन बाय सिक्स यू दोनों ऐड कर रही हैं एंड दिस इज सब्ट्रैक्टिंग टू माइनस वन बाई ट्वेल्व तो ये जाएगा सेवनटीन बाय सिक्सटी अब हमें क्या दिया है कि इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन अब आप देखो कि सेवनटीन बाय सिक्सटी पार्ट हमारा एक घंटे में फिल हो रहा है ठीक है तो एक पार्ट हमारा कितने घंटे में फिल होगा एक पार्ट होगा हमारा वन इन टू सिक्सटी बाय सेवेंटी ये यूनिटरी मेथड लगाया ना मैंने तो आंसर होगा सिक्सटी बाय सेवेंटीन आवर्स तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एंड दिस इज हाउ ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन थ्री विच इज सेइंग दैट अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन टू आवर्स बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक टू वन बाय थ्री आवर्स टू फिल द टैंक द लीक कैन ड्रेन आउट ऑल द वॉटर ऑफ द टैंक इन तो बेसिकली हमें क्या दिया है? एक पंप है जो दो घंटे में फिल कर देता है टैंक को तो उसका एक घंटे का काम कितना हो जाएगा वन बाय टू अब बिकॉज ऑफ द लीक इट टुक टू वन बाय थ्री आर्स टू फिल द टैंक तो ये टू वन बाय थ्री आर्स टू द फिल द टैंक मतलब कि टैंक कितने घंटे में फिल हुआ तो पूरा एक घंटे में कितना काम होगा एक घंटे में इतना काम होगा अब हमें क्या दिया है बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक अब हमें क्या देखना है द लीक एंड ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन तो ये जो एक्स है ना अगर लीक चलाया जाए मतलब लीक को खोला जाए तो लीक टेक्स एक्स आर्स लेट सपोज लीक टेक्स एक्स आर्स टू ड्रेन आउट द वाटर टू ड्रेन आउट वाटर तो एक्स हमने अज्यूम कर लिया इतना टाइम लगता है दिस इज़ द आंसर एक्स हमें निकालना है बेसिकली तो एक घंटे में कितना काम होगा वन बाय एक्स होगा डेफिनेटली तो वन बाय टू माइनस तो वन बाय एक्स इक्वल्स टू वन बाय सेवन बाय थ्री दिया हुआ है क्योंकि टू वन बाय थ्री आर्स लगते हैं टू फिल द टैंक तो एक घंटे का काम कितना हो जाएगा वन बाय टू वन बाय थ्री वन इट विल बी वन बाय टू वन बाय थ्री तो ये दिस इज नथिंग बट वन बाय सेवन बाय थ्री तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्ल्स टू फोर्टीन आर्स आएगा हमारा आंसर डन नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन फोर इसमें दिया है टू पाइप्स फाइव एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन थर्टी सेवन वन बाई टू मिनट्स एंड फोर्टी फाइव मिनट्स रिस्पेक्टिवली बोथ पाइप्स आर ओपन द सिस्टर्न विल बी जस्ट हाफ एन आवर विल बी जस्ट फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर इफ द बी इज़ टर्न ऑफ आफ्टर अब हमें क्या दिया है कि बी एट सम पॉइंट बंद हो गया तो हमें ये बताना है कि वो किस पॉइंट पे बंद हुआ किस टाइम पे बंद हुआ तो टू पाइप्स ए एम बी कैन फिल द सिस्टम इन एन थर्टी सेवन वन बाई टू एंड फोर्टी फाइव मिनट्स रेस्पेक्टिवली तो इनके एक मिनट का, का काम कितना हो जाएगा ये ठीक है एक मिनट का काम ए का ये है एंड बी का ये है अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों का एक मिनट का काम उसका सम हो जाएगा करेक्ट अब हमें क्या दिया है कि बोथ पाइप्स आर ओपन द सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर इन जस्ट हाफ एन आवर जो हमारा सिस्टम है वो फिल हो जाता है इफ़ द बी इज़ टर्नड ऑफ आफ्टर तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमें पूरा का पूरा टैंक फिल करना है तो पूरा का पूरा टैंक फिल करना है तो द पार्ट ऑफ टैंक विच इज़ फिल्ड इज़ वन मतलब पूरा का पूरा फिल हो गया तो होल पार्ट मतलब हम ऐसा करते हैं ना कि एक्स आज में पूरा एक पार्ट फिल होता है तो एक घंटे में कितना पार्ट फिल होगा अब यहाँ पर पूरा का पूरा टैंक हमें फ़िल करना है तो हम इक्वेट करेंगे वन से फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेट वन से कर दिया अब ये जो है ये वर्क डन बाय ए प्लस बी टुगेदर है एंड हमें टाइम पूछा है तो लेट्स अज्यूम कि एक्स आर्स पे एक्स आर्स तक दोनों ने काम किया ए प्लस बी ने काम किया और A उसके बाद बी बी ने काम करना छोड़ दिया ठीक है तो हम इतना काम इंटू एक्स मतलब इन दोनों ने एक्स आज तक तो काम किया बाकी द सिस्टम विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर हाफ एन आवर मतलब थर्टी मिनट्स तो कितना टाइम बचा थर्टी माइनस एक्स बचा अब थर्टी माइनस एक्स टाइम में जो ए है उसको अकेले काम करना पड़ेगा तो वही मैंने लिखा है थर्टी माइनस एक्स इंटू ए का एक मिनट का काम ठीक है ए का एक मिनट का काम हो गया अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर लिखा था सिस्टम विल बी फिल्ड इन तो पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाता है तो वन से इक्वेट करेंगे जब हम आंसर निकालेंगे तो एक्स इक्वल्स टू नाइन हमारा आंसर आएगा एंड बी इज टर्न ऑफ आफ्टर एक्स इक्वल्स टू नाइन आर्स सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन फाइव द क्वेश्चन फाइव इज सेंग दैट द फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमेंटेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज़ फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन दो पाइप सेम टाइम में फिल करते हैं ड्यूरिंग विच द थर्ड पाइप फिल्स अलोन द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक फाइव आवर्स फास्टर दैन द फर्स्ट पाइप एंड फोर आवर्स स्लोअर दैन द थर्ड पाइप द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज सो लेट्स अज्यूम की फर्स्ट पाइप एक्स आवर्स लेती है तो सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक फाइव आवर्स फास्टर फाइव आवर्स फास्टर मतलब उसको कम टाइम लग रहा है तो कम टाइम लग रहा है मतलब एक्स माइनस फाइव फास्टर का मतलब यही है ना कि कम टाइम लग रहा है करेक्ट समझ रहे हो ना मतलब कि अगर एक चीज़ दस घंटे लेती है और दूसरी चीज़ इफ़िशियंट है कम आवर्स लेती है तो वो फास्टर हुई तो उसको कम टाइम लगेगा तो एक्स माइनस फाइव कर दिया सेकेंड पाइप का एंड फोर आवर्स लोअर दैन द थर्ड पाइप तो द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक फाइव आवर्स फास्टर दैन द फर्स्ट पाइप एंड फोर आवर्स स्लोअर दैन द थर्ड पाइप मतलब ये सेकेंड पाइप और थर्ड पाइप का रेफरेंस दिया है तो थर्ड पाइप को कितना टाइम लगेगा थर्ड पाइप को टाइम लगेगा एक्स माइनस फाइव माइनस फोर बिकज़ जो हमारी थर्ड पाइप है दैट इज फास्टर देन सेकेंड पाइप बाई फोर आवर्स तो उसको माइनस फोर हम यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस नाइन आवर्स अब द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप इज तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्स्ट इक्वेशन में द फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमेंटेनियसली तो अगर फर्स्ट टू पाइप्स इन दोनों पाइप्स को साइमेंटेनियसली हम ऑपरेट करा देते हैं तो इनका एक घंटे का काम कितना होगा एक घंटे का काम होगा इनका वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस फाइव इसको हमें इक्वेट करना है वन माइनस एक्स माइनस नाइन से क्योंकि ये थर्ड पाइप का काम है अब इसमें दिया है कि सेम टाइम ड्यूरिंग विच तो टाइम टी ले लेते हैं तो टी अगर ये एक घंटे का काम है तो टी घंटे का काम कितना होगा टी एक घंटे का काम है टी टी घंटे में कितना काम होगा टी एंड सिमिलरली हेयर तो ये टी से टी से टी कट जाएगा इसका कोई नीड तो नहीं था और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन तो ऐसे ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन फाइव इज़ डन क्वेश्चन सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सब आगे कराया हुआ है मैंने सो जस्ट हैव अ लुक एट इट वंस टिल देन कीप लर्निंग बाय बाई